जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ओमचो और आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार और दुलार प्रदान करने के लिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और अपने इस कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय हो वो ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी किस्मत खराब है। कई बार मुझसे ये प्रश्न दोहराया जाता है, पूछता जाता है, पंडित जी क्यों नहीं हमारी किस्मत साथ देती, पंडित जी क्या है हमारी किस्मत में और हमारे साथ ही इस तरह से क्यों होता है। तो अगर ऐसे कोई भी प्रश्न हो किस्मत से रिलेटेड आपके, तो शायद मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जवाब आपको मिल जाएगा, स्पेशली आपकी राशि के लिए। तो पहली और मुख्य बात, जो किस्मत होती है वो हमारी खुद की किए गए कर्मों का फल होता है। दैट इज किस्मत, जिसे कहते हैं लक। हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म या हमारे पीढ़ियों के किए गए कर्म, उनका ही हमें रिफ्लेक्शन मिलता है जो हमें आज के दौर में मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए बहुत से लोगों का ये मत भी है कि हमारे पूर्वजों ने तो कुछ अच्छे काम नहीं किए या बुरे किए, अच्छे काम किए, ये बहुत से होता है, लेकिन एक जो चीज़ है जो बेस्ट किस्मत वाले को बीच एनालिसिस में आती है, वो लोग बहुत ही मन के साफ और सहज और सरल होते हैं। वो किसी का भी दुख दर्द देखकर खुद उस दर्द को महसूस करते हैं। तो ये एक गुड लक की सबसे बड़ी पहचान है जो आमतौर पर मैंने देखा है और बहुत से लोगों ने इसे बिल्कुल माना भी है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात। तीसरी बात है खुद पर यकीन न कर पाना। खुद पर यकीन से मेरा मतलब है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, हमेशा आपको मौके देती है, पर आप खुद उन मौक़ों को नहीं भुना पाते हैं। बीती जो बातें हैं उन्हें लेकर आप रोते रहते हैं। तो ये अगर चीज़ कर रहे हैं तो इसे भी आप पॉइंट करें और इस चीज़ से बाहर आए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चौथी बात करना चाहता हूँ कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको वो बरगलाना चाहते हैं, आपको सच से बहुत दूर रखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से भी आपको दूर रहना है, सच के बहुत करीब रहना है, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की कीमत समझें आप। किस्मत से ज़्यादा बेहतर है जीवन को जीना। जैसे ही आप अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करेंगे, आपकी किस्मत, आपके जितने भी है सभी चीज़ें आपके पक्ष में होगी। ये पॉइंट मेरा ये कहना है कि जो गलत आदतें हैं, बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, आप तो ये कर लीजिए, शराब पी लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये कर लीजिए, तो जितने भी ये पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी जीवन में कैसे भी पल हो, लेकिन कोई गलत काम मत करिएगा। एक और बात है शिक्षा। हम हर चीज़ के बारे में जाने, अच्छे से जाने समझे और उसके बाद कोई भी निर्णय ले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सातवीं चीज़ ये है कि हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहे, हमेशा ईश्वर पर यकीन रखें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस यूं ही आपका प्यार हमें लुटाते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय हिंद।